राइड्स भी काफी ज्यादा की गला एकदम बैठ गया है, और खाना भी अभी खा के अब जस्ट हम लोग आए थे यहाँ पे, हम लोग रेस्ट कर रहे थे। ये थोड़ा सा एक हॉल जैसा बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग रेस्ट कर रहे थे। सामने दिखा मुझे यहाँ पे नाइट को स्टे रूम बनाया गया है नाइट के लिए, मतलब यहाँ पे आप नाइट में रुक भी सकते हो, और इधर स्विमिंग पूल भी है इनके लिए शायद, और उधर भी है रुकने के लिए जगह सब बनाया हुआ रूम, और फिर रेस्टोरेंट भी एक है यहाँ पे अलग से, जिनका मतलब किचन में फूड इंक्लूड नहीं रहता है ना, तो अलग से भी यहाँ पे खाना खा सकते हैं, खाना नाश्ता सारा कुछ अवेलेबल है। और इसका जो रेस्टोरेंट है ना, वो जो हाईवे है मुंबई नासिक हाईवे, वहाँ से डायरेक्ट आप रेस्टोरेंट के पास आ सकते हो, मतलब पार्क में आने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सीधा रेस्टोरेंट वहाँ पे खाना है उसको वहाँ पे पा सकते हो डायरेक्ट। और वो है नासिम वाला टीम, वो क्या है सब लोग नासिक, नासिक वाला नासिम बोल रही, वो लोग घूमते रहे, आप ढूंढ रहे थे कि किधर गए वो लोग नासिक वाले है तो सब लोग। और खाना खाने के बाद भी सब लोग एकदम पूरा उधर देखिए सामने सामने एक उधर की ओ माय गॉड टूट गई एकदम लड़के पटाख से। और मेरे बेटा तो खाना खाने के बाद भी वो निकल ही नहीं रहा है पूल से, मैं तो थक गई हूँ अब, और मैं एक बार सूख गई ना, मेरा कपड़ा वगैरह सूख गया, तो मुझे जाने का मन नहीं कर रहा पूल में, पर मेरा बेटा अभी भी पूल में ही, वो निकल ही नहीं रहा है, निकलो थोड़ा तो रेस्ट कर लो। ओ माय गॉड वो लड़का देखिए लड़की को घोड़े के ऊपर चढ़ा के उसको, हे भगवान भाई बहन होगा। और सबसे ज्यादा ऊंचा वाला जो स्लाइड वगैरह सब है ना, वही है देखिए बूमरैंग है ये, वहां पे हम लोग गए थे, और वो वहाँ पे फर्स्ट एड एरिया है, और उधर ही लंच वगैरह के लिए उधर से लंच एरिया ही है, और यहाँ पे अभी हम लोग फिर से चलते थोड़ा रेस्ट करने, तो वहाँ पे अभी लंच हो चालू ही है, 1 से 3 लंच चालू रहता है। मैं थोड़ा सा पैर दुख रहा है लेटूंगी, से मिले हैं, और हम लोग आ जाए थे यहाँ पे वाटर पार्क में, और ये लोग भी आए, कहाँ से आए हो हम लोग? पंजाब। पंजाब से आए हो? हाँ जी। ओह माय गॉड घूम रहे हो खास से? हाँ जी। या कोई रहता है यहाँ पे रिलेटिव? नहीं नहीं घूमने आए। ओह पंजाब से लोग घूमने आए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इन लोग से मिल के। तो फर्स्ट टाइम मुंबई आए हो? हाँ जी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम तो कैसे लगा होगा? तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भी ट्रांसफर किया पूरा। नहीं आपने काफी देखते हो? मैं देख नहीं अभी उतर अच्छा अभी आए हो? ओके तो और दूसरी लड़कियों का ग्रुप होगा, एक और ग्रुप है आपके ग्रुप? नहीं नहीं बस अच्छा हाँ जी ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आप लोग देखिए मेरा वीडियो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पहले आप लोग मेरे चैनल पे देखे होंगे सिंगरीला का जो भी मतलब दो ब्लॉग मैं डाली हूँ, अम्यूजमेंट पार्क और ये वाटर पार्क का, दोनों वीडियो मेरे चैनल पे आया हुआ है। तो अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं नासिक हाईवे से घर, तो मानकोली ब्रिज होते हुए जाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सब देखिए रास्ते में मतलब हर जगह हाईवे पे काम ही चल रहा है, तो इसीलिए मैं शूट कर ली वीडियो ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कहाँ कहाँ पे काम चालू है। तो ये जो नासिक हाईवे है ना, यहाँ पे भी देखिए कितना काम चालू है, यहाँ पे भी बहुत कुछ बन रहा है, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, सारा कुछ शेयर करते रहूँगी मैं। Oh, oh, oh.
यहाँ पे टाटा हाउसिंग का टाटा आमंत्रा ये यहाँ पे बन रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पे देखिए एरिया बन रहा है, काम चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। और जहाँ तक मुझे पता है कि सोसाइटी हैंडओवर हो चुका है कुछ इसमें, तो बहुत सारे लोग इसमें अभी रहने के लिए आ गए हैं, पजेशन मिल चुका है। तो चलिए अब लजीज ढाबा से होते हुए हम लोग आगे जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। अभी हम लोग मिनी पंजाब के पास पहुंचने वाले हैं और वहीं से लोधा धाम के लिए हम लोग लेफ्ट मारेंगे। लोधा धाम होते हुए हम लोगों को भी जाना है लजीज ढाबा के पास से। देखिए तो अगला जो ब्लॉग आएगा मनकोली बीच का आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। ऐसे ही बहुत सारा आसपास का जो भी इंफॉर्मेशन होता है मैं अपने चैनल पर डालते रहती हूँ, तो प्लीज़ पहली बार आप लोग आए होंगे मेरे चैनल पे तो मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियोस देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।